जॉय ऑफ द पाथ। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है 25 दिसंबर और संडे भी है, तो निकल चुका हूँ फिर से। जाना कहाँ है वो तो पता नहीं, क्योंकि सब लोग पिकनिक में जा रहे हैं और थोड़ा घूम के आते हैं, क्योंकि संडे तो मेरा दुकान बंद रहता है। तो निकल चुका हूँ, तो आज ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में ही जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है, 12:30 बज चुका है, तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ों में जाने के लिए तो सुबह सुबह निकलना चाहिए ना। वैसा कुछ प्लान बना नहीं था कल। ये रहा हमारा फाला काटा, इसको चौपोती बोलते हैं। तो चौपोती क्रॉस करके अभी सीधा जाऊंगा अलीपुरद्वार की तरफ। उधर सोनापुर होके हम चिलापाता फॉरेस्ट के बीच से चले जाएंगे। हंसी मारा, ओ भाई ग्रीन सिग्नल आ गया, तो चलो चलते हैं। The rider. I'm a rider. I'm a provider. Hey, let's go. কোথায় 34 কিলোমিটার? আমরা যাবো নিমতি। So guys, उधर ब्रीज पे ये दो फ्रेंड रुका था, तो उन दोनों के साथ तो मीट हो गया, तो अभी फिर से निकल चुका हूँ। लेकिन इधर का जो रोड का कंडीशन है बॉस, वो बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ही ख़राब है। इधर का जो रोड है वो बन रहा है अभी। इस रोड से जाने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि खराब रास्ता और धूल और कुछ नहीं मिलेगा। इधर रोड तो अभी बन रहा है इधर बहुत दिन से, लेकिन कंप्लीट कब होगा क्या पता। अभी तो थोड़ा अच्छा रास्ता देखने को मिला है, लेकिन कितना दूर है देखते हैं। और इधर बढ़िया रास्ता बन रहा है अभी। सो गाइज, अलीपुरद्वार जाने के टाइम पे जो ब्रिज पड़ता है ओशा नदी के ऊपर, उस ब्रिज पे हूँ। तो अभी इधर थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि शुभ्रो तो अभी तक आया नहीं, बहुत पीछे है। सो अभी ख़राब रास्ता पीछे छोड़ के थोड़ा सा अच्छा रास्ता देखने को मिल रहा है, पता नहीं कितना दूर अच्छा रास्ता मिलेगा। बीच बीच में अच्छा है और बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है इधर रास्ते का, देखने को तो ऐसा ही मिल रहा है। सो गाइज, ख़राब रास्ते से ड्राइविंग करते करते अभी पहुंच चुका हूं सोनापुर पे। सोनापुर से अभी भी लेफ्ट साइड का जो रास्ता है वो पकड़ के हम लोग चिलापाता फॉरेस्ट के अंदर से हम अभी जाएंगे। तो चलो अभी दिखाते हैं चिलापाता का फॉरेस्ट कैसा है। अभी इधर से बाइक चलाने में मज़ा आएगा गाइज। और एक बात तो आप लोगों को बताया ही नहीं, वेदर का जो कंडीशन है वो बहुत मस्त है। ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं लग रहा है। जैकेट तो पहन के आ चुका हूँ, लेकिन ठंड ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा दूर जाने से ही ना चाय पत्ते का जो बगान है वो देखने को मिलेगा अभी। ये जो जगह है चिलापाता के थोड़ी सामने, इधर बहुत सारा होम स्टे आपको देखने को मिलेगा। इधर आप आके रह सकते हो अगर चिल करना चाहते हो एक दिन के लिए, तो इधर आके आप चाय पत्ते का बागान देख सकते हो और चिलापाता जो फॉरेस्ट है वो आप घूम सकते हो। और ये जो फॉरेस्ट है ना वो वाइल्ड लाइफ एरिया है, और इधर आप अगर लकी होते हो तो बहुत सारा वाइल्ड लाइफ एनिमल देख सकते हो। बहुत सारा टूरिस्ट आता है इधर घूमने के लिए। सो अभी पहुंच चुका हूँ चिलापाता फॉरेस्ट के सामने,
सो इधर से ही चिलापता का जो फॉरेस्ट है वो स्टार्ट होता है, तो इधर चेकिंग शायद नहीं मिलेगा इधर। हाँ चेकिंग है गाइस, क्योंकि अभी क्या हो चुका है अभी इधर। सो चलते चलते जंगल के बीच में एक अच्छा सा प्लेस देख के हम लोग रुक गए थे, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो हल्का होना था और ड्रोन भी उड़ा रहा था, तो इधर रुक के थोड़ा हम लोग टाइम पास भी किए। और ड्रोन का जो व्यू आया है गाइस वो लाजवाब है, वो ही देखो अभी। सो गाइस चिलापता फॉरेस्ट के बीच में बहुत टाइम हो चुका है हम लोग रुके थे, तो अभी निकल चुका हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इधर बीच में रुकना भी मना है, लेकिन हम लोग किसका कहाँ मानते हैं। और डर डर के ड्रोन भी उड़ा है इस प्लेस का, एक सिनेमेट्रिक व्यू लिया है। तो अभी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है क्योंकि बहुत देर हो चुका है, तो जहाँ जाना है हम लोगों को अभी भी बहुत दूर है, तो चलो चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों को बोला है एक स्पेशल डिश खिलाऊंगा उन लोगों को, तो चलो और देर नहीं करते चलते हैं। सो गाइस अभी चिलापता फॉरेस्ट से निकल चुका हूँ, अभी हूँ हाई रोड पे जो अलीपुरद्वार और आसाम जाता है उस रोड पे हूँ, समझ लो पहुँच ही गए हम लोग डेस्टिनेशन पे, थोड़ी दूर पे ही है और फिर से अभी थोड़ा राइट करना पड़ेगा, समझ लो पहुँच ही गए। ओए একটা ড্রোন উড়ায় দেখ কি সুন্দর, না উপর থেকে উড়াই দিব। সো গাইস আবি তক তো নিমতি পৌঁছা নেই, লেকিন নিমতি জানে সে পেলে ইধর এক সরসো কা খেত দেখা, তো দেখনে মে বহুত বড়িয়া লাগ রাহা থা, আবি তো থোড়া থোড়া সানসেট হো রাহা হ্যায়, তো ইয়ে দেখ কে হাম লোগ রুক গয়ে, তো ইধর জো সিনেমেটিক ভিউ মিলা হাম লোগো কো ও লাজবাব হ্যায় গাইস, ও আবি দেখো। गाइस हो गया, सब कुछ हो गया, फोटोशूट रील्स और ड्रोन उड़ाना भी हो गया, अभी पेट में चूहे दौड़ रहे यार, तो अभी जाना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि पता नहीं खाने को मिलेगा कि नहीं, शाम ढल रहा है ना। कत लोग दिस इज इट, फाइनली पहुंच चुका हूँ नीमती,
इधर पहुँचते पहुँचते तो बहुत देर हो चुका है, अभी धीरे धीरे शाम भी ढल रहा है। तो आज है 25 दिसंबर और क्रिसमस भी है, बहुत सारा लोग आया है इधर पिकनिक खाने के लिए और हम लोग भी आ चुके हैं इधर थोड़ा सा घूमने के लिए। जो स्पेशल डिश खाने के लिए हम लोग इधर आए हैं, देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं। चलो चलते हैं। सो गाइस, इधर बहुत अच्छा लोकल क्रैब्स मिलता है, वो खाने के लिए हम लोग इतने दूर से आए हैं। आके देखा ये जो रेस्टोरेंट है फुल्ली पैक्ड अप है, क्योंकि आज क्रिसमस है, सब लोग पिकनिक में आए हैं। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद हम लोगों को खाना मिला, ऐसे ही फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्ती मजाक करते करते बहुत अच्छा शाम बिताया और बहुत दिन के बाद फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़।